हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हज़ारों की तादाद में दोस्तों फॉर्म्स हैं जिनको आप एक क्लिक पर बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है जिनको आप बनाने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल आते हैं, तो ये जस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप जस्ट इनका कोड कॉपी करें, यहाँ से ये खुद ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। कोड कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद आपका जो है फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह का, जिस डिज़ाइन का आपको फॉर्म चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। हज़ारों की तादाद में डिज़ाइन सभी लेबल है और साथ ही साथ में ये लेटेस्ट जो है वो आपको एक प्रॉपर पेज क्रिएट करके देगा और ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो इनके डिजाइन है, इनकी मॉडिफिकेशन है। सो आप इनको ब्लॉगर में भी यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस में भी यूज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करो। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगा। पहला जो मेथड होगा वो बिल्कुल फ्री वाला है जो कि ब्लॉगर को ऑफिशियल मेथड है, ठीक है। और जो सेकंड वाला मेथड है ये भी फ्री भी है और पेड भी है, जैसे आप इसको यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको फ्री वाला, टोटली फ्री वाला बताता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला बताता हूँ। तो जो पहला है ब्लॉगर वाला, उसमें आपको सिंपली ये करना है कि आपको एक कोड कॉपी करना है। कोड का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैंने ये कोड जो वो यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, सो मैं इसको यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट आल। सिलेक्ट आल करने के बाद यहाँ से करता हूँ कॉपी। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, याद रहे आपको, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है पेज वाले सेक्शन में, चूंकि हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। सो अबाउट अस के ऊपर मैंने कल वीडियो बना दी थी, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हमारी जो ब्लॉगिंग कोर्स की प्ले लिस्ट है इसमें वीडियो अवेलेबल होगी। उसके बाद आपने प्ले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान रखना है आपने HTML व्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। HTML व्यू पर आने के बाद आपने ये कोड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पर टाइटल में लिख देना है About us, ठीक है। About us लिखने के बाद आपने सिंपल कंफर्म और पब्लिश कर देना है। सो पब्लिश करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पब्लिश हो जाएगा। मैं अब आपको इसको दिखा देता हूं व्यू करके कि इस तरह का आपका जो है वो फॉर्म ये शो होगा। ये डायरेक्ट आपको HTML कोड दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद अपना ईमेल, उसके बाद अपना मैसेज, लिखने के बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। सो सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए वो बता भी रहा है कि वैलिड ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कि ईमेल एड्रेस जो कि मैंने मेंशन नहीं किया तो इस तरह यहां पर मेंशन कर रहा है। सो अगर मैं यहां पर अपना जो है वो कोई भी मेंशन यहाँ पर कोई भी नाम वगैरह अगर मैं लिख कर सेंड करूँ, ठीक है, समर अली, ठीक है। उसके बाद मैं ईमेल भी अपना कोई भी एक लिख देता हूँ, ठीक है। और लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख देता हूँ, हेलो, ठीक है। सो लिखने के बाद मैं जब सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो गया, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई। यहाँ पर बताया गया नीचे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई। सो इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये जस्ट आपको एक कोड दिया जाएगा, सिंपली लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस कोड को कॉपी करें, एक पेज क्रिएट करें। पेज क्रिएट करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। अब इस पेज को अपने होम पेज में किस तरह से लगाना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक मुझे कोई भी होम पेज शो नहीं हो रहा। सिंपल मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर देखिए मुझे ऑप्शन शो हो रहा है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। जैसे कोई भी यूजर आएगा नॉर्मली वो यहां पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेगा, या इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में फुटर में आपको एक ऑप्शन जो होगा कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, ये वाला। सो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने जो है वो इस तरह का फॉर्म ओपन होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्म ओपन नहीं होता सो तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर ब्लॉगर पे आ जाना, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन जो होगा लेआउट का, ठीक है। अब लेआउट के ऑप्शन पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने नीचे आ जाना, अब जहाँ पर भी आप उसको यूज करवाना चाहते हो, साइड बार में, फुटर में, जहाँ पर भी, तो आपने सिंपली चले जाना। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो फुटर में शो करवाना चाहता हूं तो सिंपली मैं फुटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फुटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे आ जाना, यहां पर देख लेना अबाउट अस का कहां पर लिखा हुआ है, सॉरी कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का थर्ड नंबर पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद आपने चले जाना यहां पर और वो जो हमारा पेज था, ठीक है, सॉरी मैं भी आपको पेज वो वाला दिखा देता हूं, ठीक है, ये वाला पेज, ये अबाउट अस वाला, ठीक है। इसके आपने यूआरएल को कर लेना है कॉपी, यूआरएल को कॉपी करना और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जहाँ पे साइड यूआरएल का ऑप्शन है यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर कर देना आपने पेस्ट और पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने अगेन सेव कर देना। सो इस तरह आपका जो है वो फुटर में भी शो हो जाएगा ये वाला पेज, ठीक है। और उसके अलावा टॉप नेविगेशन में भी ये अगर आप लगाना चाहते हो तो आपने टॉप नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना और कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको जो है वो सिलेक्ट ऑल करना और इसको जो है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना और अगेन सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो हमारा ये सेव हो चुका है। अब इसको एक बार मैं आपको जाकर जो अपने वेबसाइट में दिखा दे, सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा से चले जाता हूँ वेबसाइट में, और वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है। सिंपली लास्ट में आपको शो हो रहा है, सो मैं कॉन्टैक्ट अस पर जैसे क्लिक करूंगा सो हमारा वो वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म हमारा ओपन हो गया। ये तो हो गया पहला तरीका। अब आते हैं सेकंड तरीके की जानब, कि सेकंड तरीका कौन सा है। तो इसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगी, इस वेबसाइट का जहां पर कोड होगा वहीं पे इस वेबसाइट का भी लिंक होगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको ऑप्शन शो होंगे तीन। पहला गूगल के थ्रू साइनअप कर सकते हैं, फेसबुक और उसके अलावा ई मेल। तो मैं गूगल के थ्रू करना चाहता हूँ तो मैं साइनअप व्यू गूगल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारी ई मेल आएगी, जी मेल सॉरी, तो वो जी मेल आपको यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। लिखने के बाद आपके जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइनअप हो जाएगा। अब साइनअप करने के बाद आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज इस तरह का शो हो जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अगर आप फ्री वाला क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको डेली के सॉरी मंथली 100 जो है वो ईमेल सेंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इसकी प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह रीड करना चाहते हो तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और प्राइसिंग वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। प्राइसिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर देखें आप यहाँ पर अपग्रेड भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आपको बहुत सारे सिल्वर गोल्ड प्लाटिनियम बहुत सारे जो मिलेंगे। ये है फ्री वाला, इसमें आपको पर डे 5 फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। मंथली जो है वो आपको तकरीबन 100 फॉर्म सबमिशन की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। 100 MB आपको स्पेस मिलेगी और 1000 व्यूज आपको डेली मिल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे, ठीक है। 1000 से ज्यादा बंदे आपको मंथली जो है वो आपके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म विजिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है वो टोटल सबमिशन स्टोरेज जो है वो 500 मिलेगी कि आप लाइफ टाइम के लिए 500 सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी प्लान बाय करना चाहो तो कर सकते हो। सो मैं नॉर्मली फर्स्ट जो है वो फ्री वाले को यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करूंगा। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ये मैंने डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लिया साइट अपने ये मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना, डेस्कटॉप साइट आपको पता ही होगा नॉर्मली अगर आप ब्लॉगर हैं तो। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, पहला स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा यूज टेम्पलेट और तीसरा इंपोर्ट। अगर आपके पास कोई अपनी टेम्पलेट है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, या आप इन्हीं की यूज करना चाहते हो तो आपको यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना और यहाँ पर 10,000 से ज्यादा टेम्पलेट जो है वो आप इंशाल्लाह इनकी यूज कर सकोगे। सो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर यूज टेम्पलेट के ऑप्शन पर जो है वो आपने क्लिक कर देना। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर राइट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, बुकिंग फॉर्म्स, रिक्वेस्ट फॉर्म्स। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है वो फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, सिंपली आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो जैसे आप कॉन्टैक्ट के फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे सो आपके सामने नेक्स्ट जो है वो पेज शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अब आपने सिंपल करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने फाइंड करना है कि आप कौन सी जो है वो टेम्पलेट यूज करना चाहते हो। यहाँ पर अनलिमिटेड टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स जो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो भी यूज करना चाहते हो आपने सिंपली करना क्या, यूज टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो मैं ये वाली यूज करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये वाली यूज करना चाहता हूँ तो मैं यूज टेम्पलेट के ऊपर कर दूंगा क्लिक। सो यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगे। सबसे पहली सेटिंग है बिल्डिंग की। अगर आप इसमें कोई मजीद चीजें बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ऐड फॉर्म एलिमेंट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आप फुल नेम ऐड करना चाहते हो, ई मेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट, पिकर वगैरह, ये तमाम चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपको सेटिंग्स मिलेंगे, ज्यादा सेटिंग मैं नहीं छेड़ता, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऐड पेज करना चाहते हो, यहाँ पर कोई लोगो लगाना चाहते हो, ऐड लोगो पर क्लिक करो, यहाँ से लोगो अपना अपलोड करके लोगो सेट कर दो अगर आप लगाना चाहते हो। लास्ट में कोई पेज ऐड करना चाहते हो, इसी फॉर्म के नीचे कोई पेज शो करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है। सिंपली अगर आप यहाँ पर जो जो चीजें ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसकी कलरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। ये एक आइकॉन बना हुआ, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसके फॉर्म की जो लेआउट है, थीम है, स्टाइल है, ये तमाम चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है, इसीलिए आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो सिंपल आपको यहाँ पर जो है वो ये चीजें अगर आप इसमें करना चाहते हो तो यहाँ पर चीजें सेट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। पेजेस वगैरह ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई और चीज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसको आप ऐड कर सकते हो।
उसके बाद स्टेप टू आता है सेटिंग का। सेटिंग वाले टैब में आने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले जो है वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर सबसे पहले टाइटल आपको शो होगा, सो आप कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट विद कॉन्टैक्ट फॉर्म विद समर अली, ठीक है। सो अगर आप यहां पर अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ समर अली, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म स्टेटस इनेबल्ड हो गया, ठीक है। और उसके अलावा नीचे यहाँ पर ईमेल्स का ऑप्शन आता है, सिंपली ईमेल्स वाला ऑप्शन पर आ जाना है। सो यहाँ पर आप एड एन ईमेल कर सकते हो, ठीक है, अपनी जो भी ईमेल आप यहाँ पर यूज करवाना चाहते हो, ईमेल नोटिफिकेशन करवाना चाहते हो, यहाँ कर सकते हो, ठीक है, कि जिस ईमेल के ऊपर आप इसको रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ईमेल आ जाएगी आपकी, ये तमाम चीजें आ जाएंगी, ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद जो है वो इसमें आपको मजीद अप्रूवल फॉलोज, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नोटिफिकेशन वगैरह, इसकी सेटिंग को एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्तसर सी चीजें मैं आपको बता दूँ। अगर आपको इसके ऊपर डीपली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पब्लिश का। पब्लिश आपको नहीं करना है, पब्लिश करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको करनी पड़ेगी, और वो छोटी सी चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है ब्लॉगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्लॉगर है, सिंपल आपको ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको कोड शो होगा, सिंपली आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ब्लॉगर पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना है ब्लॉगर पर, और ब्लॉगर पर आने के बाद ये मेरा एक पेज मैंने अभी क्रिएट किया हुआ था कॉन्टैक्ट अस टू वाला, ठीक है। मैं इसको सिंपली यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। पहला मैंने कॉन्टैक्ट अस वाला पेज क्रिएट किया था, इसलिए आपको जो है वो सेकंड वाला शो करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला मैंने आपको चेक करवा दिया था, ये है सेकंड वाला, इसमें आपने उस कोड को कर देना है पेस्ट, जो वाला कोड आपने कॉपी किया था। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी कोड होना चाहिए वो HTML व्यू में ही पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाजूकात कंपोज व्यू में, बाजूकात लोग पेस्ट कर दे, तो कंपोज व्यू में नहीं करना है, आपने HTML व्यू में ही कोड को पेस्ट करना है। अब कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ पर पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो जैसे आप पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो आपका जो पेज है वो पब्लिश हो जाएगा, और जब इसको आप प्रीव्यू करेंगे, सो प्रीव्यू करने के बाद आपका जो पेज है कॉन्टैक्ट अस वाला कोई इस तरह का शो होगा, कुछ इस तरह का शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये हमारा पेज शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद ईमेल, उसके बाद मैसेज वगैरह लिखने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। चूंकि अभी प्रीव्यू है सो इसलिए यहाँ पर शो नहीं, मैं इसको एक बार वहां पे दोबारा से वापस जाकर इसको एक बार आपको प्रॉपर शो करवाता हूँ, ठीक है। इस तरह का आने के बाद आप यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो जैसे आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो आपका ये वाला पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले अपना नाम लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद अपनी ईमेल लिखें, मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखें, सो वो शो होगा। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर जब करोगे क्लिक, सो सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको मैसेज भी शो होगा, ठीक है, उसके सबमिट फॉर्म। सो यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, ये भी बहुत ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रोबोटिक आपको चीजें जो वो शो होती हैं, सो आप यहां पर कैप्चा फिल करके भी इनको इजीली फिल कर सकते हो। सो ये तरीका है, ये प्रोसेस है, सिंपल सा। इनकी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करके इन चीजों को आप जो है वो इजीली जो है वो कॉपी कर सकते हो। पहले वाले कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म का जो लिंक है वो भी कॉपी कर सकते हो, जो सेकंड वाले वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, सो आप इसको भी यहां से आकर चेकआउट कर सकते हो। मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। इसका यही फायदा होगा कि जैसे ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके पास पहुंचेंगी तो उनकी अपडेट जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और मोबाइल पर ब्लॉगिंग करने के लिए समर अली टीवी बेहतरीन चैनल है आपको सिखाने के लिए। सो मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।